भजन सुना दीजिए। जय जय श्री कृष्णा जी सबको। श्री कृष्णा जी। नाम है तेरा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में, निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे जिगर के, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे ही तो का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस संजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू जी, मार्कंडे भाई साहब, ऑल योर्स। जी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। मुकेश जी ने लास्ट टाइम एक क्वेरी रखी थी कि दिव्य चक्षु क्या होते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता में जब शुरू में धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा कि तुम यदि युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूँ, परंतु धृतराष्ट्र अंदर से डरा हुआ था। अंदर से उसे पता था कि तू अधर्म कर रहा है और वो अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकता था। बिकॉज इंट्यूशन तो होती है, अंदर से फीलिंग तो होती ही है। तो उसने संजय को, जो उनका सारथी था, दिव्य चक्षु दिलाए और संजय ने इंद्रप्रस्थ में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के आगे रखा। दूसरा इंसिडेंस, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की है कि मैं भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं, प्रैक्टिकल चाहता है,
भगवान ने विस्तार से अपनी लीला का वर्णन तो किया, परंतु अर्जुन यहाँ रुका नहीं और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। अब भगवान ये समझते हैं कि इन आंखों से, जो भौतिक आंखें हैं, इनसे तो अर्जुन देख नहीं पाएगा, तो फिर अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और फिर अर्जुन उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर पाते। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दिव्य चक्षु, जैसा सुरेश जी ने कहा, कि हैं क्या। हमें भी लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है कि दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई या माइंड्स आई या इनर आई। इट इज इनफैक्ट परसेप्शन बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। वी ऑल्सो कॉल इट एक्स्ट्रा कार्पोरियल परसेप्शंस। बॉडी से हटकर कुछ परसेप्शंस हैं, सो दे आर टर्म्ड एज ECPs, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज दिव्य चक्षु। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट इफ इट इज अ थर्ड आई, तो भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं और एक तीसरी आंख का वर्णन आता है, और कहा यह जाता है कि ये दो आंखें तो भौतिक दुनिया को दिखाने के लिए हैं और थर्ड आई जो है वो अंदर दिखाने के लिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि बाहर जिसको माया कहा गया, जिसको संसार कहा गया, उसके लिए तो दो दो आंखें, और अंदर जो असली है उसको देखने के लिए एक आंख। तो उसका उत्तर ये बनता है कि जब हम बाहर संसार को देखते हैं तो संसार में ड्यूअलिटी है, द्वैत है, परंतु जब हम अपने अंदर एक को देखना चाहते हैं, वो अद्वैत सत्ता को देखना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ने हमें एक आंख अंदर देखने के लिए दी, यानी हमारे इनर वर्ल्ड से और ऐसे यूनिवर्स से जिसे हमने कॉस्मिक यूनिवर्स कहा, उसका डोर थर्ड आई कहलाया। यानी मेडिकली इट इज द प्लेस where the pineal gland, it is also called parietal eye in some vertebrates, invertebrates also like frog, fish, they have a third eye here if you see their pictures, and that's quite a prominent third eye, and in fact they only are able to see the daylight, and the circadian rhythm of the body is maintained with this third eye in those animals. But in humans, as we grew, the third eye, the pineal gland, became redundant slowly and steadily because we were involved in the fight in the world itself, and we forgot to look inside, and therefore the pineal gland slowly and steadily regressed to a point whereby essentially it became non-functional in majority of the individuals. But still, it continues to be active in few individuals. And pineal gland is very, very important because it secretes two very important hormones, which are called serotonins and melatonin. Now, both are very, very important as far as the journey in the inner world is concerned. I'll be coming to them later. But let me now tell you, the place of the pineal gland is the same, which is in the center of the two eyes, and which is thought to be the position of the third eye, which is nothing but a frontoparietal eye. And the concept is that this is the position which is between the two eyebrows, and this exactly corresponds with the pineal gland, which is about 2 inches back. Now, focusing on this leads to opening up and stimulation of this gland. And the third eye is thought to be a door between the external universe and the internal universe, which has no boundaries, which has no limits. Or उसी इनर वर्ल्ड के लिए उस डोर की ओपनिंग थर्ड आई, जिसे हम कहते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ डोर विच कैन ओपन अप आइदर फ्रॉम इनसाइड और इट कैन ओपन फ्रॉम आउटसाइड।
हाउ इट ओपन्स फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड इट ओपन्स जब हम अपने अंदर एक शून्य क्रिएट कर लेते हैं अपने चक्रों पर, बिकॉज एज यू ऑल नो देर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार चक्र विच इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन टू स्वाधिष्ठान विच इज जस्ट नियर द नेवल एंड देन टू अंडर द नेवल वी हैव स्वाधिष्ठान एंड देन वी हैव मणिपुर विच इज जस्ट अंडर द रिब केज इन द हार्ट वी हैव अनाहत एंड विशुद्ध इज जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आवर थायराइड ग्लैंड एंड आज्ञा चक्र इज द वन विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द थर्ड आई And after the Agya Chakra, of course, as you all know, it is Brahmarandra or what we call as Sahasrara. So that's how the journey is. And if we can activate those chakras, naturally, we can open up a world which is unknown to us as of now, which is full of mysticism as of now. And to quote this, that what is the power of this part which is dormant, the brain which is lying dormant in us, and that of course the pineal gland can stimulate and make it very very active. वो जो part है उसको समझाने के लिए मैं आपको दो examples देता हूँ. एक रामानुजम जो दुनिया के सबसे बड़े mathematician हुए. रामानुजम एक गरीब परिवार में पैदा हुए. एजुकेशन कोई मैट्रिक से ज्यादा नहीं थी, परंतु मैथमेटिक्स की पहेलियों को एक मिनट में सुलझा देते थे. तो somebody who was aware about his capabilities advised him to go to Cambridge and work with Professor Hardy. Now he had no money to go. Then people asked him to correspond with him. And it is said that he sent about 86 theorems to Professor Hardy. And Professor Hardy was amazed that how a boy of about 18-20 years could send all these theorems to him. So he called Ramanujam there in Cambridge and worked with him, and he was put to test first. और जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने दिए जो बाकी लोग 6 घंटे में सॉल्व कर सकते थे और चेक करने के लिए और 6 घंटे लगते थे, रामानुजम उन्हें सेकंड्स में कर देते थे. तो हार्डी ने एक फिनोमेनन नोटिस किया कि रामानुजम से जब कोई सवाल पूछा जाए तो उत्तर देने से पहले वो अपनी आंखों को ऊपर ले जाते हैं और अपनी भवों के बीच में फोकस कर लेते. दिस वॉज द गेज विच रामानुजम यूज टू हैव एंड विद दिस गेज इट इज प्रोबेबली इमेजिन दैट ही एंटर्ड द थर्ड आई, ही ओपन्ड अप द थर्ड आई एंड देयरफॉर ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री. एंड he had a very small life because he suffered from tuberculosis, and when he was about to leave this world, Professor Hardy comes once again to meet him. When he comes to meet him, Ramanujam notices the number of the car and he says ke tumhari jo car ke number ke digits hain ye bilkul vilakshan hai aur 4 mathematics ki aisi problems ka answer dete hain jo koi bhi number nahi de sakta. And after a small time, Ramanujam left this world, but Professor Hardy couldn't solve those problems. He became restless and he started solving them. And it is said that apni life mein wo 4 mein se 3 he solve kar paye, par likh kar gaye ki mere baad ye kaam rukna nahi chahiye, chalta rehna chahiye. Aur Hardy ki death ke 22 saal baad kehte hain ki wo problem bhi mathematics ki solve kar li gayi jo Ramanujam ne हार्डी की कार के नंबर को देखकर हार्डी को बताई थी. सो दिस इज द पावर ऑफ द थर्ड आई. द सेकंड एग्जांपल व्हिच आई वांट टू कोट इज ऑफ एडगर कायसी. कायसी गॉट एन एक्सीडेंट इन 1905, पेड़ से गिरे, कोमा में चले गए. डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया और कहा कि ये शायद कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा,
और अब इतना समय कोमा में हो गया कि अगर आ भी गया तो ये जिंदगी में पागलों की तरह रहेगा. बट इट इज सेड दैट व्हेन द डॉक्टर्स वर अबाउट टू लीव हिज आईसीयू ही स्पोक. जैसे ही वो बोले तो डॉक्टर्स ने बड़े हैरानी से उनको सुना एंड उन्होंने डॉक्टर्स को ये बताया कि मैं पेड़ से गिरा, इंजरी मेरे स्पाइन में है, आप मेरे स्पाइन को ठीक करो और ये दवाइयाँ जो जड़ी बूटियाँ कुछ उस समय की उन्होंने बताई और उनको मुझे दो, मैं ठीक हो जाऊँगा. When doctors had nothing to do for Edgar Cayce, they believed what Cayce said because he came into consciousness and then went into coma again after telling this. अब डॉक्टर्स ने दवाइयां ढूंढी, इलाज किया और Cayce बिल्कुल ठीक हो गया. अब Cayce के बारे में ये कहते हैं कि वो ठीक होने के बाद उसे ऐसी प्रीमोनिशंस, ऐसी इंट्यूशंस और ऐसी माइंड की कुछ कैलकुलेशंस वो बना पाता था जिससे उसे कुछ विजन्स आते थे, कुछ क्लियर वॉइस होती थी, कुछ प्री कॉग्निशन होती थी, कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते थे कि वो बीमार आदमियों को बुलाने लगा और उनके बारे में कोई ना कोई दवाई बताने लगा. और ऐसा भी कहा जाता है कि रथचाइल्ड जो अमेरिका का काफी रिच आदमी था उसके घर में कोई बीमार पड़ा और डॉक्टर्स ने कहा ला इलाज है, तो वो Cayce के पास गए तो Cayce ने कोई दवा बताई जिसके बारे में काफी कुछ ढूंढा गया परंतु वो दवा नहीं मिली. परंतु जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई कि ये मेडिसिन चाहिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड द मैसेजेस वर सेंड. सो वन मैसेज Rothschild राइट्स इन हिज मेमोयर्स दैट ही गॉट फ्रॉम स्वीडन, वेयर बाय द पर्सन सेड दैट माय फादर वर्कड ऑन दिस मेडिसिन, he got a patent but he couldn't put this medicine to use. Now I am sending this formula to you, you get the drug prepared. And the drug was prepared and the family member of the Rothschild was cured. There are about 30,000 such examples whereby Cayce could tell the treatment and various drugs used for that for the patients. And jo kabhi kisi ne suni nahi hoti thi wo di jati thi, या उनका उपयोग पहले दवाई के रूप में नहीं किया गया था वो दी जाती और लोग ठीक हो जाते. और Cayce ने अपने लाइफ टाइम में लगभग 30,000 लोगों को ठीक किया. परंतु Cayce के बारे में भी वही कहा जाता है जो रामानुजम के बारे में कहा जाता है कि Cayce भी एक ट्रांस में चला जाता था, उसकी भी आंखें ऊपर चढ़ जाती थी और वो अपने भवों के सेंटर में अपनी आंखों को कंट्रोल करता था और फिर कुछ शब्द उसके उसमें से निकलते थे. यानी कुछ ना कुछ तो, आफ्टर रीडिंग ऑल दिस आई कैन ऑल्सो से कि अभी कुछ ना कुछ तो है ये. इट्स नॉट ओनली अ मिथ बट देर इज सम सर्टेनिटी इन इट, देर इज सम सब्सटेंस इन इट विच नीड्स फर्दर रिसर्च. एंड द रिसर्चर्स हैव कम टू सो मेनी थिंग्स एंड कम टू सो मेनी कंक्लूजन्स. लाइक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट प्री कॉग्निशन, सम इंट्यूटिव एबिलिटीज which get increased when the third eye gets opened. और ऐसा एक ब्रिटेन के आपका यहाँ का रिसर्च है जिसमें ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स दोनों के बारे में रिसर्च किया गया. तो ये पता लगा कि जो पाइनियल ग्लैंड और एक हिप्पोकैम्पस होता है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है. हिप्पोकैम्पस भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी नेटवर्किंग, इन काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है. तो उन्होंने ये पाया कि जो बस ड्राइवर्स हैं बिकॉज दे फॉलो द वन रूट, उनका हिप्पोकैम्पस कम डेवलप्ड है देन द टैक्सी ड्राइवर्स. उन दिनों में तो शायद जीपीएस नहीं रहा होगा, जो रास्ते नए नए रोज़ नेगोशिएट करते हैं, नई नई गलियाँ ढूंढते हैं, नए नए घर ढूंढते हैं, तो उनका हिप्पोकैम्पस ज़्यादा बेटर डेवलप्ड था. व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज that these are the phenomena which are being substantiated by medical science. And they speak about the powers which are lying dormant in the human body. And if some or the other, we are able, ये तिलक लगाने की जो प्रक्रिया थी, तिलक लगाने का मतलब ही यही था कि तिलक के माध्यम से
क्यों हर खुशी के मौके पर कोई आया तो वेलकम के लिए तिलक, दूल्हा बने तो तिलक, बच्चे का जनेऊ हो तो तिलक, यानी हर सेरेमनी को हमने तिलक के साथ जोड़ा। सुरेश जी, विच यू आर ट्राइंग टू आस्क, तिलक का एक मीनिंग था कि ये आपको याद कराए कि यहाँ पर आप हर चीज को अगर इसके साथ कंडीशनिंग कर दोगे बच्चे की और हर अच्छे इवेंट को तिलक के साथ जोड़ोगे, तो आप ये ध्यान रखना कि हमें अपने जीवन के दुख भूल जाते हैं परंतु सुख के क्षण याद रहते हैं। तो तिलक की कंडीशनिंग हमारे सुख की कंडीशंस के साथ करी गई और इसीलिए की गई क्योंकि इसके पीछे महासुख है, जिसका पाइनियल एक्टिव हो गया उसको, जिसको हमने परमानंद कहा, जिसे आनंद की अनुभूति कहा, वो सारे जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं, दे लीड ऑन टू दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग। दे आर द हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस, दे आर द हार्मोन्स विच कंट्रोल आवर बॉडीज रिदम, एंड इफ वी आर एबल टू कंट्रोल दैट देन थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज फॉर अस। और एग्जाम्पल्स यहीं पर नहीं खत्म हो जाते। मैं कोट करना चाहता हूं फल कैनाली, जिसका अभी तक कैरेक्टर ही लोगों को नहीं पता लग पाया। ही वॉज वन पर्सन जिसने दुनिया के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास जाके उनको एक पर्ची दी हमेशा। ही वेंट टू हेजनबर्ग, ही वेंट टू ओपनहाइमर, उनको एक पर्ची देगा और पर्ची में क्या लिखा होता, पर्ची में ये लिखा होता कि तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम पहले हो करने वाले, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने ये काम तुम्हारे से पहले भी किए हैं और ये श्रृंखला बीसों हजार साल पहले से चली आ रही है। हमारे योग के बारे में भी 20,000 साल की तो कड़ियां हैं, वैसे तो इट इज द एवोल्यूशन इज अबाउट 2 बिलियन ईयर्स, बट 20,000 साल से तो हम ये मानते हैं कि हमारे योग की परंपरा निरंतर चलती आई। और ये जो मिस्टिस था या फलकनैली के बारे में कहते हैं कि पता नहीं बंदा भी था या नहीं था, परंतु हर साइंटिस्ट ने ये लिखा है कि एक बंदा आया जिसने अपना नाम फलकनैली बताया, मुझे ये स्लिप दी और उसमें यही लिखा था कि तुम जो न्यूक्लियर साइंस करना चाहते हो या न्यूक्लियर एक्सप्लोरियन करना चाहते हो, ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम करोगे, ये बहुत पहले भी हो चुका और इसके परिणाम भी मानवता भुगत चुकी, इसके परिणाम भी सभ्यताएं भुगत चुकी, इसलिए तुम इसे मत करो। और ओपनहाइमर ने तो कहते हैं आफ्टर द ट्रिनिटी ब्लास्ट रिजाइन ही दिया और उसने फलकनैली को काफी ढूंढने की कोशिश की परंतु व्यक्ति नहीं मिला। परंतु इसके बारे में कहते हैं कि 1952 के लास्ट इसके मेमायर्स मिलते हैं जब ये किसी व्यक्ति को मिलता है और ये सारी स्टोरी फिर से सुनाते। यानी व्हाट आई वांट टू कन्वे इज that there is definitely a force, there are definitely the energies, there are definitely the powers which are lying dormant in the human body, and the idea of focusing on the third eye or idea of stimulating the third eye is to open the whole world for you to those powers which are superhuman, and ye powers itni hain जिनके बारे में विवेकानंद ने भी कहा कि हम सब के अंदर सुप्त शक्तियां हैं और हमारा उद्देश्य योग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने का होना चाहिए। महर्षि अरविंद ने भी कहा कि हम सब में मानव से महामानव बनने की क्षमता है, हम सब में मानव से दिव्य बनने की क्षमताएं हैं, आवश्यकता है केवल उनको पहचानने की। और थर्ड आई प्रॉबेबली आई फील is a gateway to all those dormant powers. Therefore, working on the third eye is very, very important. And the only way, as many gurus have suggested, is to stimulate it, and stimulate it by way of meditation. And the kind of meditation used for it is, it's not only meditation, it can be mantras, it can be certain things also, which can stimulate all this. But then the most tried methods are of meditation, focusing on this point in the center and bringing both the eyes there and relaxing. And the second method is of chanting. When you chant Om ka last word, so you will find
इट थ्रोज सम प्रेशर ऑन दिस. अब कोई भी दरवाजा जैसे मैंने कहा, या तो वो बाहर से खुल सकता है या अंदर से खुल सकता है. बाहर से खोलने के तरीके तिब्बत में ट्राई किए गए, और ट्रायल के बाद तिब्बत के लोगों ने ये कहा कि ये बहुत डेंजरस मामला है, बिकॉज हम बिना प्रिपेयर किए ह्यूमन बींग्स को इतनी पावर्स दे रहे हैं. परंतु अंदर से खोलने का रास्ता हमारा योग पिछले 20,000 साल से निरंतर हमें बता रहा है कि अंदर, यदि जैसे बुद्ध ने कहा कि हम अंदर अपने शून्य वैक्यूम क्रिएट कर लें, तो जो डोर है ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा. सो बुद्ध ने कहा महाशून्य, थियोसोफिकल्स ने कहा, मैडम ब्लावस्की ने कहा कि जहां पर ये थर्ड आई बताई गई, इससे थोड़ा सा पीछे उन्होंने भी पाइनियल ग्लैंड के बारे में कहा. ताउस ने कहा कि थर्ड आई जो हिंदूज कहते हैं कि यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा यदि आप आंखें बंद करके बिल्कुल सेंटर में लाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट सबका डिफर करता है, वेदर इट इज बुद्धिज्म, वेदर इट इज ताओइज्म, वेदर इट इज थियोसोफीज, बट एसेंशियली दे ऑल टॉक अबाउट द सेम. एंड आई पर्सनली फील के इट्स अ लॉन्ग एंड आर्डुअस प्रोसेस. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार विच रिलेट्स टू बेसिक नीड्स, देन वी कम टू स्वाधिष्ठान विच इज ऑल अबाउट सेंसुअलिटी, एंड देन ऑफ कोर्स द हार्ट का अनाहत, मणिपुर फॉर डाइजेशन, विशुद्धि दे से इज फॉर कम्युनिकेशन, एंड आज्ञा चक्र इज फॉर द ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई. और उस थर्ड आई की ओपनिंग के बाद ही हम ब्रह्मरंध्र की बात करते हैं. सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन चक्र, ब्रिंगिंग द सिंपल मेथड इज दैट ब्रिंगिंग द एनर्जी फ्रॉम लोअर टू द हायर लेवल्स, एंड दैट इज वॉट द योगा सेज, एंड दैट इज वॉट exactly when we say that the third eye corresponds to Agya Chakra, if we can focus all our energy on the Agya Chakra, the third eye can be opened up. It is similar to ki jaise surya ki kirne waise to pure atmosphere mein hoti hain, but if we put a lens in between it can bring fire, aag ko paper ko jala sakti hai. Isi tarah se yadi hum apni energies ko meditation ke through channelize karke ek particular chakra par focus kar sakte hain, to hum third eye ko ओपन अप कर सकते हैं. और बाकी अब हाउस के लिए है टू डिस्कस इट आउट. मैंने जितना इसके बारे में जानता था, जितना इसके बारे में एग्जांपल्स मेरे को पता थे, मैंने बताने का प्रयास किया. और बाकी आप सब लोग गुणी हैं, सब लोग विद्वान हैं, यू कैन थ्रो लाइट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो गुरुजी भी आने वाले हैं, गुरुजी कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं. एक्सपीरियंसेस जिसको हुए वही बेटर पोजीशन में कह सकता है, और गुरुजी को डेफिनेटली हुए होंगे, इसलिए आई थिंक द बेस्ट मैन टू आंसर द क्वेरीज विल बी गुरुजी. बट येट यस, विद मिनिमम नॉलेज विच आई हैव, आई विल ट्राई टू क्लियर द क्वेरीज इफ द पीपल हैव फ्रॉम मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और I'm sure, सुरेश जी अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, बताइए आप. सुरेश जी अनम्यूट करिए पहले. कर रहा हूँ जी. हाँ यार जी, आपकी आपकी जो शंका थी वो दूर हुई कुछ? आवाज दूर हो गई जी? हाँ जी, आवाज आ रही है. आवाज आ रही है जी. अच्छा. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने तो थर्ड आई और ये इसके परसेप्शन और स्टिमुलेटिंग ऑल द चक्रास सब बता दिए, मगर मैं फिर यहाँ आता हूँ. जो भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में कि मैं तुझे ये दिव्य चक्षु देता हूँ, ठीक है, दे दिए, और फिर उसके बाद ले लिए. ऐसे ही जो धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं, संजय के पास दिव्य चक्षु आए जब तक माँ वार रही, बाद में उनकी जो है उनसे ले लिए गए. तो एक देना और एक लेना, इसमें उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद exactly, बिकॉज वो रख लेते तो शायद वो डेंजरस भी हो सकता था. नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देने की
और लेने की। तो ये स्टिमुलेशन ऑफ द थर्ड आई जैसे आपने बताया, भाई वो तो जो है उसके पास रहेगी, जब वो जब भी चाहेगा इस्तेमाल कर सकता है, ये भी उसने तो अपने चक्र जो हैं वो साधन कर लिए हैं और उसको ज्ञान हो गया है, तो उसके पास वो ज्ञान रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा जैसे भगवान कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ और फिर ले रहा हूँ, ऐसे ही वो प्रिपेयर्ड नहीं है दोनों। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि प्रोसेस नीचे से चलेगा तो वो आदमी मैच्योरिटी से इनको यूज करेगा। तिब्बत ने उल्टा किया, तिब्बत ने डायरेक्टली स्टिमुलेशन और इवन सर्जरीज भी कर दी पाइनियल की। उनको लगा कि हमने जैसे न्यूक्लियर वेपन हम कहते हैं बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो हम कह रहे हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह है। तो ऐसे ही अगर ये साइकिक पावर्स किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए जो प्रिपेयर्ड नहीं है टू यूज देम, तो इसलिए जैसे जीसस के बारे में कहते हैं, वो कहानी जीसस की किताबों में नहीं आती बट सूफियों की कहानी में आती है कि जीसस मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो उनके तीन शिष्य थे, उन्होंने कहा भी तुम हमें मुर्दे को जिंदा करने की टेक्निक सिखाओ। जीसस ने कहा बहुत कुछ है अभी पहले उससे सीखने के लिए, तुम ये मत सीखो, सीखोगे तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप तो हमें सिर्फ बस इतनी ही सिखा दो। अब वो जीसस ने उनको वो मंत्र बता दिया कि भी जाओ और इस तरह से मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो तीनों गए मुर्दा ढूंढने, पहले एक गांव में नहीं मिला, दूसरे में गए तो एक अस्थि पिंजर पड़ा था। तो उन्होंने कहा चलो स्केल्टन पे ही ट्राई कर लेते हैं, मुर्दा तो मिला नहीं, स्केल्टन पे ट्राई करते हैं। उन्होंने उस पर मंत्र फूका, वो स्केल्टन खड़ा हो गया, वो स्केल्टन शेर का था और उन्हें खा गया। यानी दिस इज व्हाट कैन हैपन यू नो इफ इट इज विद द इमैच्योर वन। और रामकिशन परमहंस और विवेकानंद के बारे में भी ये कहते हैं कि विवेकानंद को जब शक्तियां दी, छूकर ही दी थी, ऐसे ही छूकर दी थी, मस्तक पर हाथ लगाया अंगूठा ट्रांसफर कर दी सारी शक्तियां। अब विवेकानंद को ये लगा कि एक उनका दोस्त था कल्लू जो वहीं पर उसी में आश्रम में रहता था, रामकृष्ण परमहंस का सेवक था, और कल्लू को ये था, आपने साकार निराकार की बात की, कल्लू सिर्फ साकार की पूजा करता था, उसने अनेकों मूर्तियां अपने कमरे में इकट्ठे कर ली। अब जैसे ही विवेकानंद को पार्स मिली, उन्होंने आदेश दिया, मतलब ट्रांसमिट किया टेलीपैथी से उसे कि तू ये मूर्तियां सब फेंका, कहां लगा हुआ। अब कल्लू को आदेश मिला, कल्लू ने उठाई और चल दिया गंगा जी में फेंकने के लिए। रामकृष्ण परमहंस नोटिस दिस और उन्होंने विवेकानंद को बुलाया कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम एक आदमी की आस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और यदि तुमने अपनी साइकिक पावर्स का ऐसे ही दुरुपयोग करना है तो मैं तुमसे ये शक्तियां वापस लेता हूं, और अब ये मरने से तुम्हें कुछ समय पहले वापस मिलेंगे। सो ये जो देना लेने के जो आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु देने का प्रयास करते हैं जिसको सुपात्र समझते हैं, परंतु यदि सुपात्र ना निकले तो वो वापस लेने का भी उनमें क्षमता होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अच्छे गुरु हैं जब आके शिष्य प्रणाम करता है तो वो ये देख लेता है यहाँ पर कि कितना यहाँ पर समान है, इसके कितना कुछ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक जन्म में शायद नहीं आता हो, जन्मों जन्मों की साधना से ये मिलता है। क्योंकि कई लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे एक जैन फकीर थी, पानी भरकर ले जा रही थी, घड़ा टूटा, और उसको कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति, या उसको कहें हम सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ऐसे ही लोत्से के बारे में कहते हैं कि पेड़ के नीचे बैठा, पतझड़ का मौसम है, एक पत्ता गिरा सूखा और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि लेटे थे, ऊपर से बगलों की एक रो निकली और उनके अंदर भी एक कौंद पैदा हुई और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। दीज इंसिडेंसेस ऑफ कोर्स आर द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। हम किसी को तराजू में तोल रहे हैं जो आखिरी तिनका हम रखते हैं ताकि तराजू एक तरफ आ जाए, बट ये साधना जन्मों जन्मों की है, साधना पूरे जीवन की है। ये लास्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर कि पत्ता गिर रहा है और किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। They are the triggering factors, of course, and the last factors after lots and lots of arduous yogic exercises and meditation. So, इसलिए और कहते हैं कि ये जो तिलक की positioning है और third eye की positioning है, ये भी shift होता रहता है। जैसे जैसे जिसका नीचे आता रहता है, कहते हैं उसका self-realization का level ज्यादा है,
और गुरु ये पहचान लेते हैं कि किसका कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे जैसे ये लेवल नीचे आएगा, दैट मीन्स वी आर मोर टूवर्ड्स द सेल्फ रियलाइजेशन। सो सर, पर ये सारे साइंस वैसे ही हैं जैसे डॉक्टर के लिए तो एक ट्रीटमेंट का चार्ट लगाओ बेड साइड पे, डॉक्टर जाए, नर्स ने पल्स बीपी लेके रखा हुआ है, ऐसे ही ये जो गुरु हैं, जो सेल्फ रियलाइज गुरु हैं, वो पहचान सकते हैं, हम और आप शायद उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो थर्ड आई है और इसका जो लेवल है और जो तिलक का लेवल शिफ्टिंग है, ये गुरु के लिए वैसे ही ट्रीटमेंट चार्ट का काम करते हैं जो फाइल पेशेंट के बेड साइड पर पड़ी होती है।